वो खिलाड़ी जिसकी कप्तानी में भारत को मिली पहली जीत। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट 1932 में खेला, लेकिन उसे जीत के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ा और उसे अपनी पहली जीत वर्ष 1952 मिली। भारतीय टीम ने इस मैच में इंग्लैंड को हराया था। भारत को पहली जीत दिलाने वाले कप्तान थे विजय सैमुएल हजारे। हालांकि यह उनकी कप्तानी में मिली एकमात्र जीत है। विजय हजारे का जन्म 11 मार्च 1915 को सांगली, महाराष्ट्र में हुआ था। आजादी के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के वे पहले कप्तान थे। विजय हजारे एक ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में आए थे। उन्होंने 31 साल की उम्र में डेब्यू किया था। इसके बावजूद उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। विजय हजारे ने कुल 30 टेस्ट मैच खेले। इसमें उन्होंने 47.65 की बेहतरीन औसत से 2,192 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 9 हाफ सेंचुरी जड़े 164 उनका उच्चतम स्कोर रहा। यही नहीं, वह भारत की ओर 1,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे। वह टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज। इतना ही नहीं, विजय हजारे लगातार 3 टेस्ट मैचों में शतक ठोकने वाले पहले भारतीय थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 238 मैच खेले। इसमें 58.38 की बेहतरीन औसत से 18,740 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 60 शतक और 73 हाफ सेंचुरी जड़े। इंटरनेशनल क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग ने साल 2004 में भारत की ओर पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में पहला 13 शतक जड़ा था। भारतीय की ओर क्रिकेट इतिहास में प्रथम श्रेणी में पहला 13 शतक विजय हजारे ने लगाया था। विजय हजारे ने 21 जनवरी 1940 को पूना क्लब ग्राउंड पर महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए बड़ौदा के खिलाफ 13 शतक लगाया था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 50 शतक जड़ने वाले भी पहले भारतीय खिलाड़ी थे। विजय हजारे ने 30 टेस्ट मैच में 20 विकेट लिया। इस दौरान उनका गेंदबाजी में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 29 रन देकर 4 विकेट रहा। प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर के 238 मैच में उन्होंने 595 विकेट लिए। इस दौरान उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 90 रन देकर 8 विकेट रहा। विजय हजारे की कप्तानी में खेलते हुए 1952 में टीम इंडिया ने चेन्नई मद्रास में इंग्लैंड के खिलाफ पारी और 8 रन से जीत दर्ज की थी। हालांकि यह उनकी कप्तानी में मिली एकमात्र जीत है। उन्होंने भारत के लिए 14 मैचों में कप्तानी की। विजय हजारे के नाम पर भारतीय घरेलू क्रिकेट में वनडे ट्रॉफी खेली जाती है। ये टूर्नामेंट 2002-03 में शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट में रणजी की सभी टीमें हिस्सा लेती हैं। विजय हजारे और जसू पटेल पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी थे। उन्हें यह सम्मान 1960 में मिला।